गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का हमारा जो प्लान है कि पहले हम कांगड़ा फोर्ट जाएंगे। सामान मैंने होटल में ही छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्लाइंब करना है तो सामान के साथ मुश्किल हो जाता है। तो पहले फोर्ट जाएंगे, ऊपर से आपको व्यूज़ दिखाएंगे, वापस आते हो तो अपना सामान पिक करेंगे एंड देन हम धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं रात को 12:30 बजे सो गया था और सुबह 7:30 बजे उठा और एकदम डीप स्लीप ली है मैंने, एटलीस्ट 6 घंटे की। तो मैं एकदम फुल्ली एनर्जाइज्ड हूँ। और कल एक्चुअली क्या था कि हम लोग आधा रास्ता प्लेन में थे और उसके बाद पहाड़ों में चढ़े थे, तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया था। आज हमने जर्नी स्टार्ट ही पहाड़ों के बीच से किया। जस्ट लुक एट दिस व्यू, ये मेरे होटल से व्यू था। एकदम नीचे जो लेफ्ट में दिख रहा है वहीं पे मेरा होटल था, एकदम यही वाला व्यू आ रहा। रूम से थोड़े पेड़ अड़ रहे थे इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से अब जल्दी से चलेंगे हम कांगड़ा फोर्ट और फिर आपको कांगड़ा फोर्ट से व्यू दिखाते हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत ऊंचा है, थोड़ा वॉक तो करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, पर वहां से व्यू बहुत अमेजिंग आता है। और ये पेड़ देखिए यार, कितना पुराना होगा ये वाला पेड़। चलिए जी, जल्दी से पहुंचते हैं कांगड़ा फोर्ट। तो फिर से गोप्रो ने अपना डेली रिचुअल शुरू कर दिया था। अभी जो ऊपर रोड चला गया है वो मंदिर की तरफ जाता है और ये फोर्ट की तरफ जा रहा है। तो हमने गोप्रो रिस्टार्ट कर लिया है और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर्स है, प्रोबेबली कहीं तो दिखने भी लग गया होगा। ऐसा लेफ्ट में जो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है वो भी एक बहुत फेमस मंदिर है, ऐसे रास्ता वहीं जाता है। चलिए जी, जल्दी से हम चलते हैं फोर्ट की तरफ। बहुत ही ज़्यादा स्टीप डिक्लाइन है, मतलब हिम्मत है यार जो लोग इस पे पैदल चढ़ के आ रहे हैं। मतलब बाइक पे ही हमें ऐसे लगे कि अगर कम सीसी वाली बाइक हो तो उसका पूरा जोर लगा। जो अपने घर का रैंप होता है ये वैसा 500 मीटर लंबा वैसा रास्ता है। बट हम जल्दी ही फोर्ट पहुंच गए हैं। राइट में आपको ऊपर जो दिख रहा है ये है कांगड़ा फोर्ट। जल्दी से कुछ पार्किंग वार्किंग देखते हैं और फिर यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये ले लिया जी हमने टिकट और ये है सामने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और पीछे फोर्ट है। तो हम फाइनली एंटर कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी लंबी वॉक होगी। बाकी बहुत शांति है, बहुत कम लोग हैं और आधे से ज़्यादा बहुत पुराना रुइंस में है। तो आई गेस यहाँ से हमें ऊपर वॉक करना पड़ेगा। वहाँ ऊपर एक मंदिर भी दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वहाँ ऊपर एक मंदिर है। तो यहाँ पे ऐसे क्लाइंब करके जाना है, बीच में संकरा सा रास्ता है और बहुत सारे दरवाजे हैं। हर दरवाजे का कुछ नाम है, जैसे इससे पहले वाला दरवाजा था उसका नाम था रंजीत सिंह द्वार, ये है आहिनी गेट। शायद यहाँ आसपास कोई एयरपोर्ट भी है। तो चलिए जी, अभी हम अपनी क्लाइंब कंप्लीट करते हैं। मैंने सुना है ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा है, तो जल्दी से ऊपर पहुँचता हूँ और ऊपर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। जोर लगा के हाईशा। हम वहाँ नीचे से चढ़ के आए हैं और यहाँ से फिर ये रास्ता ऊपर ही जा रहा है। नेक्स्ट गेट आ गया है जहांगीरी गेट। चलिए जी, जैसे ही जहांगीरी गेट क्रॉस करा, जस्ट वेट फॉर द व्यू, जस्ट लुक एट दिस। जहां तक आपकी नजर जा रही है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लुक एट दिस व्यू। नीचे देखेंगे वहां नदी बह रही है, वहां से हमने एंटर किया था। वो जो गाड़ी खड़ी है वहां पे पार्किंग है, वहां से हम इस रास्ते से ऊपर चढ़ के आए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी फोर्ट बहुत ऊपर है और यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना इन स्नो क्लैड माउंटेन्स का, वो बहुत अमेजिंग है। ऐसे ऐसे व्यूज़ ही यार पूरे ट्रिप को, पूरी वॉक को, हर चीज़ को वर्थवाइल बना देते हैं। चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और ऊपर चलते हैं। ये वाला व्यू था जहांगीरी गेट से। आई गेस हमें जाना है वहाँ पे ऊपर कहीं। यहाँ पे माता का मंदिर है, अंबिका देवी मंदिर, श्री आदिनाथ जैन जी का टेम्पल। और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं व्यू पॉइंट पे। तो अभी हम, मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं इधर मंदिर बाहर से ही हाथ छोड़ रहा हूँ। यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ व्यू पॉइंट से। तो यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट है, ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो हम टॉप पे पहुँच गए हैं। टॉप से एकदम पैनोरमिक व्यू आ रहा है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे पूरे स्नो क्लैड माउंटेन्स, उस साइड ग्रीन माउंटेन्स और यहाँ पे जो रुइंस बचे हुए हैं वो हैं। ठीक ये है, एक वो वाला एरिया है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, जहाँ से पूरे कांगड़ा का, पूरे इस वैली का 360 डिग्री व्यू आ रहा है। सो इट वॉज वर्थ द क्लाइंब, काफ़ी अच्छा लगा। ये हम इससे ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए हैं, इससे पीछे का व्यू आ रहा है, नीचे नदी का व्यू आ रहा है और उधर भी नदी का व्यू मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा। वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से आगे का व्यू दिखाऊंगा आपको। तो ये आ गए हैं हम पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे, जो लास्ट पॉइंट है इस फोर्ट का। यहाँ से पीछे उन स्नो क्लैड माउंटेन्स का भी व्यू अमेजिंग आ रहा है
और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो नीचे जो नदी का व्यू है वो भी बहुत अमेजिंग आ रहा है। आप इधर देखेंगे वहाँ से नदी आ रही है और उधर जा रही है। अभी अभी जो है पानी कम है नदी में तो फ्लो उतना नहीं है, पर जब मानसून सीज़न में बर्फ़ पिघलती है और जब जो होता होगा यहाँ से व्यू और अमेजिंग होता होगा। तो अभी जल्दी से हम नीचे जाते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं और अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। कभी पॉसिबल हुआ तो हम अपनी गाड़ी लेके उस ग्राउंड में कैंप करेंगे, वो बहुत अमेजिंग लग रहा है। नीचे क्लिफ है, रिवर है और क्या मस्त व्यूज़ आ रहे होंगे जहाँ पे वो कुछ पशु घास खा रहे हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे कभी ऐसा पॉसिबल हो पाया तो हम ज़रूर वहाँ पे कैंप करेंगे। चले जी, फोर्ट देख के हो गया है, वापस होटल चलते हैं, वहाँ से अपना बैग पिक करते हैं और फिर धर्मशाला के लिए निकलते हैं। अब आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना स्टीप था, आते वक्त इतना दिख नहीं रहा था क्योंकि हम नीचे आ रहे थे। मे बी कैमरा जस्टिस ना करे पर इवन देखा पशुओं को भी पता चल रहा है कि चढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है और ये लिटरली 40 डिग्री का क्लाइम तो होगा। इवन तो बाइक बहुत पावरफुल होती हैं तो इतना इशू नहीं है, मैं सेकंड थर्ड गियर में बहुत आराम से चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि टॉर्क है, पर छोटी बाइक पे आपको फर्स्ट गियर में ही चढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, होटल से हमने अपना बैग पिक कर लिया है, अब कांगड़ा को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब चलेंगे हम धर्मशाला, अभी हमें कांगड़ा सिटी के अंदर से पार करना पड़ेगा धर्मशाला के लिए। रात को मैं वॉक करके आया था क्योंकि मेरे होटल से काफ़ी पास है, इतनी बड़ी सिटी नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर में आप आराम से वॉक कर सकते हैं। वहाँ से 900 मीटर ही था सिटी सेंटर। यहाँ पे देवी माता का मंदिर भी है जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, वो भी सिटी सेंटर पे ही है। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मेरा प्लान था वहाँ जाने का बट क्योंकि कल मेरा वर्किंग है एंड आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, मेरे को आज मैक्लोडगंज पहुँचना था। जनाब आप व्यू चेकआउट करें, यहाँ पे हम नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और राइट में हमारे फेवरेट स्नोक्लैड माउंटेन्स, ये नीचे से नदी जा रही है और ये वही नदी है जो हमने कांगड़ा फोर्ट के पास देखी थी जिसे हमने क्रॉस किया था। अभी जब हम उस डायरेक्शन में आएंगे तो मैं आपको पहाड़ों को भी दिखाऊंगा। इससे पहले सिटी थी, सिटी में जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनकी वजह से जो था व्यू था थोड़ा सा हाइड हो रहा था। जब शहर से बाहर निकल जाएंगे और नेचुरल रॉ ब्यूटी दिखेगी इन पहाड़ों की तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख पा रहे हो ना, ये बिलबोर्ड्स वगैरह लगने की वजह से पीछा छुप जाता है, जो व्यू मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना वो अभी आ नहीं रहा है, तो थोड़ा शहर से बाहर निकलते हैं फिर आपको ये ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ से अब धर्मशाला जो है वो रह गया है 8 किलोमीटर्स, तो हम धर्मशाला में जो वहाँ का स्टेडियम है वो चेकआउट करेंगे। मैंने सुना है कि स्टेडियम के पीछे पहाड़ों का जो व्यू आता है वो बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब आई गेस ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे मैचेस भी होते हैं, आईपीएल के मैचेस भी होते हैं कभी कभार, पर जब मैचेस नहीं होते हैं तो यू कैन विजिट, ऐसा मैंने गूगल पे पढ़ा, आई एम नॉट श्योर, तो एक बार जाकर देखते हैं। फिट इज़ पॉसिबल हम अंदर जाएंगे, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे मैक्लोडगंज के लिए। ये वाले पहाड़ जो मिट्टी वाले पहाड़ हैं इनमें एक इशू रहता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बीच में पत्थर जो हैं उनको होल्ड करने के लिए मिट्टी है, तो जैसे जैसे ऊपर जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं। जब पेड़ पौधे कम हो जाते हैं तो मिट्टी को बाइंड करने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो ये जो पत्थर हैं वो उनका वेट जो है वो मिट्टी बियर नहीं कर पाती और लैंडस्लाइड हो जाती है बारिश के टाइम पे। ऐसे केसेस में जो बोन्ड है वो और वीक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सेफली रहना पड़ता है। यहाँ के लिए बहुत इशूज़ हैं, नीचे जो घर बने होते हैं कई बार उनको भी क्षति पहुँचती है, तो ये थोड़ा पहाड़ों की लाइफ देखने में घूमने के लिए टूरिस्ट को अच्छी लगती है, पर जो लोग यहाँ पे रहते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में टफ लाइफ जीते हैं। गोप्रो महाराज फिर से हैंग हो गए थे, तो मैं बोल रहा था कि इन पहाड़ों पे ना जो इनलाइन फोर की पावर है वो बहुत ही अमेजिंग रहती है, मतलब मैं उसको 6th गियर में चला रहा था तो मेरे को गियर डाउन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी टॉर्क है ना तो मैं आराम से चढ़ाई पे भी 40 की स्पीड में 30 की स्पीड से अपने आप एक्सेलरेट कर पा रहा हूँ। एवरी टाइम आई राइड दिस बाइक आई फॉल इन लव विद इट अगेन एंड अगेन, मतलब कावासाकी ने क्या स्मूथ इंजन बनाया है, और निंजा 1000 चलाने के बाद तो ये एकदम लाइट बाइक लगती है, जैसे 200cc की बाइक चला रहा हूँ मैं। कभी ये टूरिस्ट सीजन नहीं है तो इतने टूरिस्ट नहीं है, तो रोड्स भी खाली हैं, जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी जो क्राउड है वो कम है। मुझे पर्सनली ऐसा होता है कि जब खाली खाली होता है ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आराम से एक्सप्लोर कर पाता हूँ, रोडों पे भी अच्छा लगता है, आपको इजीली होटल्स वेटल्स मिल जाते हैं और आप जहाँ घूमने जाते हो वहाँ पे भी लंबी लाइनें नहीं होती हैं, क्राउड नहीं होता है, तो आई एम जस्ट लविंग इट। और कल से तो वीकडे शुरू हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मैं दिन में काम करूँगा, सुबह शाम आसपास का एरिया एक्सप्लोर करूँगा और आपको जैसे भी होगा दिखाता रहूँगा, तो बने रहिए व्लॉग्स के साथ। ये हम धर्मशाला सिटी में तो एंटर कर चुके हैं, स्टेडियम इसके आउटस्कर्ट्स में ही है, खेल परिसर है पूरा, क्रिकेट स्टेडियम के अलावा एथलीट ट्रैक्स वगैरह भी हैं,
तो अभी हम पहुंचते हैं सीधा स्टेडियम। आपको पहले जो भी चीजें आएंगी मैं रो दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, क्या अमेजिंग लग रहा है यार ये। मतलब फोटोज में इतना ग्रैंड नहीं लगता है, यहाँ पे तो ये अलग ही लेवल पे बड़ा लग रहा है। तो शायद एंट्री आगे से है, मैं आगे पहुँचता हूँ और आपको एंटर करके दिखाता हूँ अगर मैं कर पाया तो। ये शायद यहाँ की एंट्री है, गेट वन। एक बार आगे चल के पता करते हैं कैसे क्या है एंट्री वेंट्री का सीन। ओहो, नो एंट्री फॉर विजिटर्स, क्रिकेट ग्राउंड इज बीइंग रीलेड अनग्रेडेड, सो बैड लक। अभी अंदर काम चल रहा है तो शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे, फिर भी हम लोग पता करते हैं कुछ पॉसिबल हुआ तो। तो हम यहाँ पे आए थे, पर ये 3 महीने से ग्राउंड बंद है, आईपीएल मैचेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम मैक्लोडगंज निकलेंगे, एक बंटा पी लेते हैं हमारी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है।